हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका क्रिक इन्फो यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर आपने को जानने को मिलेंगे क्रिकेट दुनिया के कुछ अनसुने रिकॉर्ड, फैक्ट्स और क्रिकेट से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारतीय टीम ने खेला हुआ पहला मैच कौन सा था और उसके साथ जानेंगे भारत की पहली प्लेइंग 11 कौन सी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1932 में लंदन के लॉर्ड्स पर भारत ने अपना पहला इंटरनेशनल मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेला और क्रिकेट की दुनिया में पदार्पण किया। इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया मुकाबला 3 दिन के टेस्ट मैच था, जिसके अंपायर्स फ्रैंक चेस्टर और जोसेफ हार्डस्टॉप थे। मैच के बारे में बताने से पहले हम जानते हैं भारत और इंग्लैंड की उस मुकाबले में प्लेइंग 11 क्या थी। भारत की ओर से कप्तान सीके नायडू के साथ जनार्दन नवले, नवमल जमल, सैयद वजर अली, सोराबजी, नज़ीर अली, फिरोज पलिया, लाल सिंह, जहांगीर खान, अमर सिंह और मोहम्मद निसार थे। वहीं इंग्लैंड की तरफ से कप्तान डगलस जार्डिन के साथ पर्सी होम्स, हर्बर्ट फेकुली, वेल हमर्ड, एडी पेंटर, लेस एलम्स, वॉन्टर रॉबिन्स, फेंड्री ब्राउन्स, विल वोस और बिल वो खेले थे। मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 259 रन बनाए, जिसमें कप्तान डगलस जार्डिन ने 79 और लेस एम्स ने 65 रनों की पारियां खेली थी। वही मोहम्मद निसार ने 5 और अमर सिंह सीके नायडू ने कुल 2-2 विकेट लिए थे। 259 लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अपने पहली पारी में 189 रन बनाए, जिसमें कप्तान सीके नायडू ने सर्वाधिक 40 रन बनाए थे। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 275 रन बनाए। डगलस जार्डिन ने फिर से एक बार कप्तानी पारी खेलते हुए सर्वाधिक 85 रन जोड़े थे और भारत की ओर से जहांगीर खान ने सर्वाधिक 4 विकेट प्राप्त किए थे। भारत दूसरे पारी में 346 रन का पीछा करते हुए मात्र 187 रन बना पाई थी, जिसमें अमर सिंह ने सर्वाधिक 51 रन बनाए थे। इंग्लैंड की टीम ये मुकाबला 158 रनों से जीत गई थी। भारत को अपनी पहली जीत हासिल करने में लगभग 20 साल का इंतज़ार करना पड़ा था। इस मैच के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।